आज मैं आपको सम्मोहन उपचार के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सम्मोहन उपचार या हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, यह ऐसी एक ट्रीटमेंट है, ऐसा एक उपचार है कि अनेक मानसिक बीमारियां उससे हम अच्छी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक 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 मानसिक बीमारी और उसका सम्मोहन उपचार इसके बारे में बताते जाऊंगा। सबसे पहले अच्छी, मतलब सबसे पहले जो एक मानसिक बीमारी जो अच्छी हो सकती है वो है एंजाइटी न्यूरोसिस या चिंता की बीमारी। ये चिंता की बीमारी ऐसी होती है कि इसमें हाथ कांपना, सीने में धड़कन बढ़ते जाना, पसीना बहुत तर होना और छोटी छोटी बात के ऊपर दिमाग में बहुत तनाव आना चिंता होती है। मतलब भविष्य के बारे में चिंता होती है या किसको कोई बीमारी की चिंता होती है, किसको मरने की चिंता होती है, किसको एग्जाम में फेल होने की चिंता होती है या किसको कोई गुस्सा करेगा उसकी चिंता होती है, या मतलब ऐसे ही टेंशन आते रहता है। तो टेंशन कहीं भी हो, कोई भी कारण से टेंशन हो, उसका हम ट्रीटमेंट, उसका उपचार सम्मोहन से हम कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म से कर सकते। होता क्या है कि यह सम्मोहन उपचार के लिए हम वो व्यक्ति को सम्मोहन, एक तो मैं करता हूं सम्मोहन उसका, मतलब हिप्नोटिज्म मैं करता हूं, और फिर उसको घर में भी करने के लिए उसको सिखाता हूं कि वो स्वयं सूचना कैसे दे, स्वयं सम्मोहन कैसे करे। तो चिंता की बीमारी के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसको एक तो कोच के ऊपर बिठाना, उसको पूरा बदन रिलैक्स करना, और उसको हेटरो हिप्नोटिज्म, मतलब मैंने उसके ऊपर हिप्नोटाइज, उसको हिप्नोटाइज करना, उसको ट्रांस में ले जाना, और ट्रांस में ले जाके उसका जो कॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा अलग कर देना, और अनकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सूचना देना। तो सबकॉन्शियस माइंड से फिर मैं उसमें बात करता हूं, उससे बात करता हूं और उसको सूचनाएं देता हूं, सजेशंस देता हूं। तो सजेशंस जो है वो आत्मविश्वास बढ़ाने की सूचनाएं हैं, और वैसे ही उसको हम बोलते हैं कि तू विजुअलाइज कर, वो व्यक्ति को बोलते तुम विजुअलाइज करो और कल्पना चित्र निर्माण करो अपने आंखों के सामने, और कल्पना चित्र निर्माण करके जहां जहां जो जो वातावरण में, जो जो सिचुएशन में जहां जहां उसको चिंता होती है, तो वो सिचुएशन वो कल्पना के द्वारा अपने सामने खड़ी करो, और वह सिचुएशन में, वह वातावरण में मैं अभी पूरा रिलैक्स हूं, पूरी बॉडी शिथिल करके मैं पूरा रिलैक्स हूं, ऐसा अनुभव करना। मतलब कल्पना जो है वो है टेंशन वाले वातावरण, तो वह टेंशन है, चित्र कौन सा निर्माण कर रहे, टेंशन का, और फिजिकल स्टेट कैसी है, फिजियोलॉजिकल स्टेट एकदम रिलैक्स की। तो ये हेटरो हिप्नोटिज्म है, मतलब मैं वो व्यक्ति को सम्मोहन कर रहा हूं और उसको ये डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं दे रहा हूं, विजुअलाइज करने के लिए बोल रहा हूं, और विजुअलाइज करके बार 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 जब हम सबकॉन्शियस माइंड को हैमरिंग करते हैं, बार बार सूचनाएं देते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वो सूचनाएं ग्रहण करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके पूरा बैठ गया कि फिर जब एक्चुअली जो वातावरण है वो फेस करेगा, जाके एक्चुअली उसका सामना करेगा, तब उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली नैसर्गिक रूप से एकदम रिलैक्स हो जाएगी, या फिर वो कंडीशनिंग से वो वातावरण में उसकी बॉडी खुद की रिलैक्स कर लेगा। तो ऐसा जब हम बार बार करते हैं, जैसा मैं उसको मेरे क्लिनिक में बुला के मैं हिप्नोटाइज करता हूं और हिप्नोथेरेपी करके सजेशंस देके उसको मैं बाद में घर भेजता हूं, फिर बोलता हूं कि भाई कम से कम रोज 4 बार आप करो, मिनिमम रोज 4 बार 5-5, 7-7 मिनट का एक्सरसाइज, सवेरे, दोपहर को, शाम को, रात को, कम से कम 4 बार एक्सरसाइज आप करो, स्वयं सूचनाएं दो, कल्पना चित्र निर्माण करो। और कल्पना चित्र में होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि वे कल्पना है टेंशन की, प्रसंग जो है वो टेंशन का है, वातावरण जो है वो टेंशन का है, चिंता का है, और यहां पूरी बॉडी रिलैक्स करने का है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है ना कि भाई टेंशन का वातावरण है, चिंता का वातावरण है, बॉडी पूरी रिलैक्स, और इसमें फिर वो धीरे 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं बिल्कुल ही उसका सामना अच्छी तरह से कर रहा हूं, पीसफुल वो हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम नहीं रहता। होता क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से बनाते हैं मूर्ख, मतलब वो कैसा है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को ही नहीं समझता कि एक्चुअली आप उसका सामना कर रहे हो, प्रसन्नता वातावरण का एक्चुअली सामना कर रहे,
या फिर यहां बैठे बैठे विजुअलाइज कर। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, उसको मूर्ख बना। कैसा? कि भाई उसको ये नहीं मालूम कि एक्चुअली कर रहे कि क्लिनिक में चेंबर में बैठ के कर रहे। तो बार 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 जब सबकॉन्शियस माइंड वो देखेगा, काल्पनिक कल्पना करेगा, विजुअलाइज करेगा, तो उसको लगता है कि ये सच्ची, उसको ये लगता है कि अभी ऐसे वातावरण में मैं एकदम रिलैक्स रह सकता हूं। पर फिर वो वातावरण में जब व्यक्ति जाएगा तो वो अपने बॉडी को उस तरह की सूचनाएं देगा ताकि वो पूरा रिलैक्स हो जाए। तो ये हो गया चिंता की बीमारी, चिंता रोग। इसके इसके बारे में मैंने बताया कि कैसा हिप्नोथेरेपी करके, हिप्नोटाइज करके अच्छा हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा जब एंग्जायटी होती है, एग्जैगरेटेड, मतलब सामान्य व्यक्ति को चिंता आएंगी या टेंशन आएगा, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रहती है, उसको बोलते हैं भयगंड या फोबिया या दुर्भीति। तो उसमें भी वही हम करते हैं। अभी दुर्भीति किस प्रकार की होती है? कुछ लोगों को मतलब रास्ता पार करने की मतलब फोबिया रहता है, कुछ लोगों को सोशल मतलब कोई फंक्शन रहे तो वहां जाने का फोबिया रहता है, कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े का डर लगता है, फोबिया रहता है, है ना। तो कुछ लोगों को घर में अकेला रहने का डर लगता है, तो ऐसे कुछ लोगों को स्टेज पे जाने का बहुत ही फ्राइट लगता है कि वो मतलब नाम लिया तो, कुछ लोगों को कुत्ते का डर लगता है, कुछ लोगों को बिल्ली का डर लगता है, कुछ लोगों को चिपकली का डर लगता है। तो उसमें भी डिसेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस है, मतलब डिसेंसिटाइजेशन नाम की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम सम्मोहन हिप्नोटाइज करके, उसको हिप्नोटिज्म करना और हिप्नोटाइज करके, डिसेंसिटाइज करके वो प्रक्रिया करके उसको डीकंडीशनिंग करते हैं। मतलब उसका जो कंडीशनिंग हुआ रहता है उसको डीकंडीशनिंग करते हैं। और फिर जैसा मैं पहले जैसा बताया कि वो ब्रेन को नहीं समझता, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझता कि भाई एक्चुअली उसका हम सामना कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे मतलब कल्पना कर रहे हैं, वो ब्रेन को नहीं समझता। जैसा फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन को अपनी बोली भाषा नहीं समझती। मैं भी आपको बोलता हूं कि भाई आप टाइगर, ऐसा मैं आपको बोलता हूं, अब टाइगर के बारे में सोचो। तो जब मैंने आपको बोला टाइगर के बारे में सोचो, तो आपको टाइगर सामने आया कि टाइगर का स्पेलिंग आया? नेचुरली आपको टाइगर मतलब शेर आपको सामने दिखाई दिया। मैंने आपको पूछा मदर के बारे में सोचो, तो मदर के बारे में जब आप सोचते हो तो सामने क्या आया? सामने आई मदर, मतलब माँ, सामने माँ का चित्र सामने आया, उसका स्पेलिंग नहीं आया, एमओटीएचआर। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या होता है कि उसको भाषा नहीं समझते, उसको चित्र समझता है। तो हम उसको चित्र के माध्यम से उसको भूल बना, एक तरह से बार 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 हैमरिंग करके, ताकि जब एक्चुअली वो फोबिक सिचुएशन में जाएगा तो वो खुद को रिलैक्स कर पाएगा, बॉडी को रिलैक्स कर। तो ये हो गया फोबिया की बीमारी। फिर एक तीसरी बीमारी जो होती है वो होती है ओसीडी की बीमारी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मंत्र की बीमारी। इसमें होता क्या है कि बार 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 वही 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 विचार आते हैं, बार 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 वही विचार आते हैं, और फिर उसको ऐसे वो उसको खुद को व्यक्ति को मालूम रहता है कि ये विचार काल्पनिक है, इसमें कोई मतलब तथ्य नहीं है। उसको मालूम है कि ये मेरे मन में बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको विचार आएंगे कि भाई मैंने कुछ तो भी बुरा किया है, भगवान का बुरा किया है, भगवान मेरे को सजा देगा। या किसको विचार आते कि मेरे घर में बहुत ही गंदगी है, या किसको विचार आते कि मेरे हाथ खराब है, किसको विचार आते कि मैं मर जाऊंगा। मतलब ऐसे अलग अलग विचार बार 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 आते रहते हैं। कुछ लोग वो विचारों के ऊपर एक्शन करते, मतलब विचार आता है कि हाथ खराब हो गए, हाथ गंदे हो गए, यहां तक तो ठीक है। कुछ लोग फिर बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे जाके मेरे हाथ साफ करने पड़ेंगे। तो फिर हाथ धोता है वो, तो हाथ धो के आएगा, फिर जाएगा, फिर हाथ धोऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे कपड़े खराब होंगे, फिर कपड़े धोएंगे। कुछ लोग लगते हैं अपन खुद गंदे हैं तो फिर खुद जाके नहाएंगे और बात लेंगे तो आधा आधा एक एक घंटा दो दो घंटा करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैंने भगवान का पुस्तक भी करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, और घंटा दो दो तीन तीन घंटे भगवान की पूजा करते बैठे। मतलब ये व्यक्तियों को शांति नहीं मिलती एक बार करने से, उनको लगता है कि नहीं मैंने किया ही नहीं, वो विचार बार बार आता कि मैंने किया नहीं, फिर उसको बार 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 करना। तो सिर्फ विचारों का रहता है तो ऑब्सेशन ऑब्सेसिव थॉट, और कुछ लोगों को कंपल्शन होता है, मतलब एक्शन उसके ऊपर करनी पड़ती है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें भी सम्मोहन उपचार जो हिप्नोटिज्म को काम में आता है, और वो कैसा आता है कि हम उसको बार 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 उसको हिप्नोटाइज करके हम उसको बोलते कल्पना कर। कौन सी कल्पना कर? कि भाई ऐसे ऐसी कल्पना करो, खुद को देखो सामने, अपने सामने खुद को देखो, और वो खुद को देखो, और वो देखो कि भाई उसके मन में बार बार मतलब अपने खुद को ही देखना है, और मन में ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं हाथ धोना चाहिए, और मैं जो कल्पना मैंने खुद की है सामने खड़ा है, वो व्यक्ति अभी कल्पना आने के बाद में, विचार आने के बाद में भी हाथ धो नहीं रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है। तो ऐसा जब बार बार देखेगा कि नहीं मैं गंदगी है और हाथ धोने के विचार आ रहे, नहाने के विचार आ रहे, तभी भी वो विचार बाजू में रख के, उसको बाजू में रखना है, अपने काम पे फोकस करना है,
मैं रिलैक्स हूं, जो बेचैनी आती है वो उसके ऊपर अमल नहीं करने से जो बेचैनी आती है, मैं रिलैक्स हूं, विचार भी आ रहा है और मैं रिलैक्स शांति से बैठा हूं पीसफुल, तो उसको हम उसमें भी उसको डीकंडीशनिंग करवाते हैं और वो विचार जो है वो बाजू में कैसे रखना और अपने काम के ऊपर फोकस कैसे करना, ये हिप्नोथेरेपी में संपूर्ण उपचार में सिखाते हैं। उसमें भी वही है कि भाई मैं क्लिनिक में बैठे बैठे उसको हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार बुलाता हूं और बाद में फिर उसको बोलता हूं कि घर में कम से कम रोज चार बार, मिनिमम चार बार करो और हर बीमारी के लिए 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है। और घर में भी उसको रोज चार बार जब करेंगे, मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूं बोलने के लिए कि भाई आप कम से कम 1000 सेशन जब आप करेंगे, 1000 सेशन सब पूरे मिला, मतलब रोज चार चार बार किए तो वो कितना हो जाएगा, कम से कम 250 दिन लग जाएंगे, है ना, 1000 सेशन करना है तो मतलब 8-9 महीने लग जाएंगे। तो इतने बार जब आप करेंगे रिलीजियसली तो आपको उससे मुक्तता मिल सकती है। तो ये मेनली ये बीमारी है। फिर डिप्रेशन की बीमारी, उसके लिए संपूर्ण उपचार उपयोगी है, है ना। फिर बाकी जिनको गुस्सा आता है वो, और गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके लिए संपूर्ण उपचार है। फिर कोई कोई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बीमारी हो गई, कुछ तभी बदन को बीमारी है और वो पेट दर्द, पूरे बदन का दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सर दर्द, ऐसे अलग अलग बीमारी लेके आते, तो उनके लिए भी संपूर्ण उपचार काम में आता है। फिर हिस्टेरिया की जो फिट्स जिसको आती है, हिस्टेरिया के झटके जिसको आते हैं, मतलब मन के ऊपर तनाव आने से हिस्टेरिया के झटके, तो वो लोगों को भी संपूर्ण उपचार है कि हम उसको हिप्नोटाइज कर दें और हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है एक्चुअली, तो उसको वो निकाल दे। तो वो संपूर्ण उपचार में, संपूर्ण अवस्था में वो व्यक्ति बोलता है कि उसको तनाव क्यों आ रहा है, टेंशन क्यों आ रहा है, और वो व्यक्ति यदि बोलता है तो वो टेंशन से मुक्ति पाके वो हिस्टेरिया के झटके भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह का संपूर्ण उपचार है। और संपूर्ण उपचार में हिप्नोटाइज जब करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको चलाने वाला कौन है, सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि देखो ना, मालूम तो हमको सब है, जैसा मुझे ये मालूम है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, मुझे ये मालूम, मतलब जो जो भी सिगरेट पीते हैं उनको सबको मालूम है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, और जो सिगरेट पीते हैं उनको ये मालूम है कि नहीं कैंसर का प्रभाव ज्यादा उनमें हो सकता है, चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, मगर होता क्या है कि वो टाइम आ गया कि वो जाके सिगरेट पीते, तो चला कौन रहा है, चला रहा अपनी बॉडी को या अपने को, कौन, सबकॉन्शियस माइंड। सब शराबी लोगों को मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, कॉन्शियसली उनको मालूम है, वो टाइम आने के बाद में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर, वो पूरा टेक ओवर कर लेता है और वो आदमी जाके शराब पी लेता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि नोइंग डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको मालूम होगी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मालूम तो सबको है, सबको मालूम है कि वजन कैसे कम करना, कितने लोग कम करते वजन, बहुत ही कम। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जब तक उसमें वो सूचना जाती नहीं है अंदर, तब तक ये उसमें बदलाव नहीं ला सकते हम, मतलब वो बीमारी रहो या कोई भी रहो उसमें हम बदलाव ला सकते नहीं। तो यह इस तरह का संपूर्ण उपचार है, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में काफी गलत फहमियां भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके फायदे क्या क्या है मैंने आपको बताया, और कौन सी बीमारी में ये काम में आता है ये मैंने बताया, और भी आगे बताते जाऊंगा हम आपको, मतलब हमारे से संपर्क करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब को आप वो चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक जानकारी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।